लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सरस्वती माता कहती, अरे वाह, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकी पराई विभूति, आगे लुकाज बिचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कवि मोरी। प्राणनाथ, माँ सरस्वती कहती कि तुम ऊंचे घरों में रहते हो, तुम्हारी कितनी नीची करतूती है। यहाँ तो बेचारे सब खुशियां मना रहे, इनके पिताजी देखो इतना लाड चाव से सब तैयारी करे, और तुम कह रहे हो कि मति बिगाड़ दो, राम जी को जंगल में भेजो। सोच रहे हो पीछे इन सब का हाल क्या होगा? अरे तुमको दूसरों का सुख तुमसे नहीं देखा जाता है, तुम मतलब ही हो देवताओं। लेकिन माँ सरस्वती ने सोचा कि चलो आगे काम अच्छा हो जाएगा, रावण मरेगा, राक्षस मरेंगे, तो इसलिए सरस्वती आई। लेकिन मां सरस्वती सोचती है, मैं बुद्धि किसकी बिगाड़ूं, किसके अंदर प्रवेश करूं, मेरे भाई बहन सबकी मति में राम बसे हुए हैं, और जहां जिस मति में राम बसे हैं वो उस मति, वो मति कुमति कैसे हो। बेचारी सरस्वती घूम घूम के थक गई है, किसकी खोपड़ी बिगाड़ूं, किसकी खोपड़ी बिगाड़ूं। योग की बात, अयोध्या के किसी भी नागरिक में, अयोध्या के किसी जीव की मति में प्रवेश नहीं कर सकी। राम जी के प्रति जिसके, राम जी के प्रति जो दुर्भाव है, वो दुर्भाव अवध के किसी प्राणी की मति में प्रवेश नहीं कर सकता। तो महाराज उसने देखा, नाम मंथरा मंदमति चेरी के कई के, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामति फे। महाराज, मंथरा नाम की एक दासी जो केकई जी के साथ आई थी शादी के समय, वो आई थी तो उसकी मति में सरस्वती जी ने प्रवेश कर लिया। महाराज अब उसने इधर उधर पता लगाया, भाई ये किस बात के गाजे बाजे बज रहे, क्या चल रहा है। तब कहीं से उसको पता चला कि राम जी को कल राजा बनाया जाएगा, ये उस बात का उत्सव चल रहा है। महाराज पता नहीं उसको क्यों तकलीफ हो गई, पता नहीं क्यों उसको बुरा लग गया, वो गई उदास होकर के केकई के पास गई, मुंह लटका के बैठ गई। प्राणनाथ, केकई ने कहा, री क्या बात है। महाराज मंथरा तो लंबी लंबी सांसें ले रही, और लंबे लंबे आंसू, अरे बड़े बड़े आंसू निकल रहे। मंथरा कहने लंबी लंबी सांसें ले रही। महाराज रानी कहने लगी, कहीं लक्ष्मण जी ने पिटाई तो नहीं कर दी तेरी। अरे बोलती क्यों नहीं, कुछ तो बोल, क्या बात हुई। वो कहने लगी, अरे मुझे कोई पीटो क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई मारो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो तेरी चिंता हो रही है। केकई ने कहा, मेरी चिंता, मेरी चिंता तुझे करने की क्या आवश्यकता है। बोले रानी गलतफहमी छोड़ दो कि अयोध्या में किसी को तुम्हारी चिंता है, मेरे सिवाय और कोई तुम्हारा हित सोचने वाला अयोध्या में नहीं है। ये मेरे भाई बहन घर फोड़ाने वाले लोग जो होते हैं, बिड़ाने वाले लोग जो होते हैं, ऐसे गड़बड़ कराने वाले लोग होते हैं, वो इतने बोलने में इतने होशियार रहते। अरे रानी मेरे सिवाय और कोई नहीं है आज तुम्हारा भला चाहने वाला, आज अगर किसी का भला हो रहा है तो सिर्फ राम का भला हो रहा है। केकई जी की राम भक्ति देखिए, राम निष्ठा देख के केकई जी कहती है, अरे मंथरा कुबड़ी, राम के भले में ही अपना भला है। मंथरा कहती है, अभी तुझको नहीं सूझता है कि राम के भले में ही सबका भला है। जब कौशल्या झाड़ू लगवाएगी, जब कौशल्या सफाई करवाएगी, जब कौशल्या चरण दबवाएगी, जब कौशल्या फटे हुए कपड़े पहनने को देगी, तब कहना राम के भले में ही सबका भला है।
अरे मंथरा तू क्या बोलती है? बोले हां मैं सही बोलती हूं, तू तो राजा के ऊपर कुछ हद से ज्यादा विश्वास करती है। अरे मैंने बचपन से तुझे गोद में खिलाया है, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं आई हूं। बाकी मुझे क्या लेना देना, कोई राजा बनो कोई मंत्री बनो, मेरे घर में क्या आने जाने वाला है, तेरा दुख नहीं देखा जाता मुझसे, तेरा दुख। ऐसा करके मंथरा महाराज रोने लग गए। अब तो केकई एकदम भावुक हो गई, कहने लगी ऐसी क्या बात हुई आखिर, बता तो सही क्या बात हुई। अरे तुझे पता नहीं है मैं अभी सब जगह घूम घूम के आई हूँ, पूरे अयोध्या में उत्सव चल रहा है, तुझे कुछ खबर है किस बात का उत्सव चल रहा है? केकई ने कहा नहीं मुझे नहीं पता। अरे राजा दशरथ ने, महाराज दशरथ ने निश्चय कर लिया है वे कल राम को युवराज देंगे। ए मंथरा इतनी बढ़िया खबर बोल, तुझको क्या दूं, ले हार ले ले, ये ले ले वो ले ले। मंथरा बोली ये सब वैसे ही कोई न कोई ले लेगा। अरे तू किस बात की खुशी मना रही? बोले राम मेरा बेटा राम राजा बनेगा। अरे कोई राम तेरा बेटा नहीं है, तूने हद से ज्यादा राम को अपना माना, तूने हद से ज्यादा राजा पर विश्वास किया। तू तो कहती ना महाराज महाराज मेरे को बहुत मानते, ले इतना बड़ा निर्णय किया, तेरे को पूछा। अब मेरे भाई बहन कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो पुरुष को अपने इस अपनी मति से ही निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन माइया कह कि आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले मुझे क्यों नहीं पूछा? तो भाई कहेंगे भाई ये तुम्हारा विषय ही नहीं है, इसमें तुमको क्या पूछना। तो ध्यान दीजिए, केकई को कहा मंत्रा के तेरे को पूछा, तू तो कहती थी मुझे बहुत मानते हैं, ले पूरी अयोध्या खुशी मना रही है, राज्याभिषेक की सब तैयारी हो गई है और देवी जी को अभी कुछ मालूम भी नहीं है, ले और बता तेरे बुरे दिन तो शुरू हो गए। अब तो भगवान मालिक के तेरे साथ क्या क्या होगा, हे भगवान बचा लो इसको, इस देवी को बचा लो हे भगवान। मैंने जो पूजा पाठ जब तक तीरथ सब किए वो सब केकई को मिले, ये सुरक्षित रहे, ये नौकरानी ना बने, इसको झाड़ू ना निकालना पड़े, ये दुख ना पावे, हे भगवान हे भगवान। केकई घबराने लगी ये सब क्या हो रहा है, और अपनी बातों से ऐसा उसने बवंडर फैलाया मंत्रा ने। मंत्रा कहती है कि देखो राम की माँ दिखने में सीधी लगती है पर वो अंदर से बहुत होशियार है, चुपके चुपके महाराज को खुश कर लिया और महाराज से वचन ले लिया, अब देख राम को राजा बनाया जा रहा है, वो राजमाता बनेगी और तू उसकी नौकरानी बनेगी। अरे राम की माँ ऐसा नहीं कर सकती। मंत्रा बोली तुझे पता क्या ऐसा नहीं कर सकती, मैं सब कह रही हूं तुझे सच कह रही हूं, मेरी बात माने तो ठीक नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज केकई को अब लगने लगा कि बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक कह रही है। अरे कौशल्या को सहन नहीं होता महाराज तेरे पास ज्यादा आते हैं तो, इसलिए उसने ये सब चाल चली है, तू मेरी बात मान। महाराज तरह तरह की कहानियां बता बता करके और मंथरा ने केकई को राम जी के विरोध में तैयार कर लिया और उसको बता भी दिया कि देख तेरे दो वचन बाकी हैं राजा में, वो तू मांग ले। उसको कहा देख ऐसे नहीं, मैं जाकर के महाराज को प्रेरणा देती हूं तेरे पास आने के लिए, तू एकदम काले कपड़े पहन ले, बाल एकदम खुले कर दे, एकदम यू बाल एकदम खुले कर दे और गहने सब उतार दे, काले कपड़े पहन के और जमीन पर सो जा, जब महाराज आएंगे तेरी ये दशा देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा उनकी आदत तुझे एकदम सुंदर श्रृंगार में देखने की है, ऐसे जब तुझे देखेंगे तो एकदम विचलित हो जाएंगे, जब विचलित हो जाए बार बार जब तुझे कहे कि क्या बात है क्या बात है, जब बार बार कहे तब बोलना और उसके बाद में भी उनसे दो वचन मांगना, और दो वचन भी जब तक सच्चे मत मानना जब तक वो राम की सौगंध न खा ले, जब वो कहे हाँ मुझे राम की कसम है मैं दूंगा तब मानना। महाराज केकई के तो जैसे कोई मंत्रा गुरु हो गई हो,
ऐसे जो लोग होते हैं ना इधर उधर की करने वाले, वो अपनी बात को मनवाने में भी बड़े होशियार होते हैं। सामने वाले को ऐसा चक्कर में लेते पूछिए मत, कह गई तैयार हो गई, अपने आभूषण खोल के रख दिए और जमीन पर लेट गई, काले वस्त्र पहन के बाल खुले करके बैठ गई। दशरथ जी महाराज गए केकई के पास में, एकदम खुश जा रहे हो, अपने पीतांबर में कोई बढ़िया सी अंगूठी और बांध रखी है कि उसको बधाई दूंगा। एकदम खुशी खुशी गए राजभवन में, और जैसे ही राजभवन में गए तो देखे तो भाई दृश्य अलग ही बना हुआ। कुबड़ी पास में खड़ी है मुंह नीचा किए हुए, केकई बाल खुले करके, वस्त्र काले वस्त्र और एकदम गहने सब छोड़ करके लेटी हुई उल्टी। महाराज दशरथ जी ने कुबड़ी को पूछा, क्यों री मंथरा, क्या बात है, रानी को क्या हुआ? बोले महाराज मैं गरीब दासी, मैं क्या जानू क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप स्वयं जाइए पूछिए ना क्या हुआ, जाइए। दशरथ जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। अब दशरथ जी जाते हैं, बार बार कहते हैं, बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोही सुनाओ गजगामिनी निज को पकर। हे सुलोचनी, हे सुमुखी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, जितनी बड़ाई कर सकते थे उतनी कर दी, के कुछ तो बोल, कोई तो बात बता, किसने तुझे दुखी किया, किसने तेरा बिगाड़ किया, तू किसके ऊपर नाराज है, सच सच बता, तेरे को जो मन हो वो तुझ मुझको मांग ले। केकई कहती है खाली मांग ले बोलते हो, कभी देते तो हो नहीं। दशरथ जी ने कहा तूने कभी मांगा नहीं तो मैं क्या देता था, आज कहे तो आज दे दूं। केकई ने कहा तो राम की सौगंध खाओ तब मैं मानूं। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजती बिलो की मृग, मनहु की रातिनी फंद। महाराज जैसे ही दशरथ जी ने कहा मैं राम की सौगंध खाता हूं, तू जो मांगेगी सो मैं तुम्हें देऊंगा, जैसे ही ये राम की सौगंध खाई फट केकई उठ गई, कपड़े वगैरह व्यवस्थित पहन लिए, गहने पहन लिए, बाल बांध लिए, बोले अब आप चलो, अब आपको बताऊं क्या चाहिए। और महाराज उनको लेकर के बिठाया और बिठा करके कहा महाराज आप हमेशा देव देव कहते देते नहीं, आज आपने सौगंध खा ली है राम की कि मैं जो मांगूंगी सो दोगे, तो मेरे दो वरदान सुन लो। आहा बोलो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर बरत ही जी का, दूसर मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेश विशेष उदासी, चौदह बरस राम बनवासी। महाराज मुझे दो वरदान दे दीजिए, एक से तो भरत को राजा बना दीजिए और दूसरा वरदान 14 साल के लिए राम को वनवास भेज दीजिए। करुणा निधान, एक छोटी सी चिड़िया के ऊपर बाज कैसे झपट्टा मारता है, ऐसा दशरथ जी को लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे के ऊपर झपट्टा मार दिया। स्तब्ध हो गए श्री दशरथ जी महाराज। अरे केकई तूने अयोध्या उजाड़ दी, ये तूने क्या मांग लिया, अरे भाग्यवान कोई और वरदान मांग ले, तू तो राम से बहुत प्रेम करती थी, अचानक राम के प्रति तेरे मन में ये दुर्भावना कैसे आ गई? केकई कहती दुर्भावना मेरे मन में नहीं, कौशल्या के मन में आई है, देखिए आप उसके पुत्र को राजा बना रहे हैं, क्या मेरे भरत ने कुछ पाप किया है, क्या मेरा भरत आपका पुत्र नहीं है, राजा बनेगा तो भरत बनेगा, राम की माँ क्या समझती है राम राजा बने और मैं यहाँ की नौकरानी बनूं? नहीं नहीं वो महारानी मैं नौकरानी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, आप कौशल्या की बातों में आकर राम को राजा बनाने का निर्णय कर सकते हैं, लेकिन मेरे रहते मैं अपने बेटे का नुकसान नहीं होने दूंगी।
दशरथ जी कहते हैं, कैकेयी तुमको बड़ी भारी गलतफहमी हो गई। कौशल्या ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं राम को राजा बनाऊं। अरे मैं सब जानती हूं, मुझे मत कहो। अब क्या करे बताओ, कैसे समझाना राम महाराज? राजा के तो भाई छाती में मानो बाण लग गए हो। अरे अब घबरा क्यों रहे हैं आप? अब क्यों बेहाल हो रहे हैं? पहले तो कहा मांगो 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 मांगो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। अब व्याकुल क्यों हो रहे? जब मांगा तो, जब देने की सामर्थ्य नहीं थी तो क्यों कहा मांगो मांगो? अब दर्श जी महाराज अपने वचन में फंस गए, अपने शब्द में फंस गए। करुणा निधान, सब लोग अगले दिन इंतजार कर रहे थे दशरथ जी का कि वे आएंगे और आज्ञा देंगे कि अब राज्य का कार्य ऐसे आगे बढ़ाओ। लेकिन मेरे भाई बहन दशरथ जी तो बेहाल पड़े हैं। सुमंत्र जी जो मंत्री हैं दशरथ जी के, वो आए, उन्होंने जब राजा की दशा देखी, उनको ये समाचार मिले, उन्होंने जाकर राम जी को अवगत कराया कि श्री दशरथ जी महाराज की ये दशा है। राम जी दौड़े दौड़े आए, श्री दशरथ जी बार बार राम जी को गले लगा लगा के रोते हैं, हा राम हा राम हा राम। राम जी अपनी माँ को कहते हैं, कैकेयी अम्बा आप बताइए, तात इतने दुखी क्यों हैं, पिताश्री इतने दुखी क्यों हैं? बोले इनके दुख का कारण राम, तुम्हारे प्रति जो इनका मोह है, ममता है ना, वो इनके दुख का कारण है। ऐसी क्या बात है माँ? तब राम जी को बताया कि आपको वनवास दिया है और भरत को राज्य दिया है। राम जी इतने खुश हो गए, मेरा भरत, मेरा प्यारा भरत राजा बनेगा, हा हा। इससे बढ़कर के तो, अरे भरत राजा बने और उसके लिए मुझे जंगल में जाना पड़े, इस मौके को छोड़ने वाला तो कोई अभागा होगा। मैं निश्चित रूप से वन में जाऊंगा। कैकेयी कहती बस अपने पिताजी को संभाल लो और तो क्या है। दशरथ जी अधीर हो रहे, मेरे भाई बहन अधीर हो रहे हैं, प्राणनाथ कैसे समझाना, अब क्या करना। श्री राम जी कहते हैं, पिताश्री आप सत्य संकल्प हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, आपके वचन झूठे नहीं जाने चाहिए। आपने यदि कहा है तो हम जरूर उसको पूरा करेंगे। जो संतान सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। बेटा तो वही भाग्यशाली जो अपने माता पिता के वचनों में अनुराग करता है। और करुणा निधान दशरथ जी को सांत्वना देकर राम जी कौशल्या अम्बा से मिलने आते हैं। कौशल्या अम्बा कहती है, बेटा यदि दशरथ जी ने तुझे आज्ञा दी होती वन गमन की तो मैं मना कर देती, नहीं जाना है। पर बाप से भी बढ़कर माँ की आज्ञा होती है, तुझे कैकेयी माँ ने आज्ञा दी है तो बेटा जरूर वन में जाओ, बस जल्दी लौट कर आना और हमारे नेत्रों को अपने दर्शन का सुख प्रदान करना। इधर महाराज सीता जी को पता चला, सीता जी कहने लगी मैं तो जाऊंगी। अब राम जी समझाते हैं कि जंगल में बहुत तकलीफ है, लेकिन सीता जी कहती हैं कि क्या छाया बिना शरीर के रह सकती है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आप छोड़कर जाएंगे तो ये प्राण आएंगे पीछे और तो कुछ नहीं। आखिर राम जी ने तैयार हुए, इतने में लखनलाल जी आ गए। लखनलाल जी को भी राम जी ने समझाया, पिताजी का ध्यान रखना, राज्य का ध्यान रखना, भरत शत्रुघ्न अभी या नहीं है। लेकिन लखनलाल जी कहते हैं, महाराज मेरे को ये सब मत फंसाओ, मैं तो निरंतर आपके चरणों में रहना चाहता हूं, सो मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो राम जी ने एक उपाय किया, राम जी ने सोचा कि ऐसी कोई बात अड़ा देता हूं जो पूरी ना हो और ये मेरे साथ न चले। और राम जी ने क्या बात अड़ाई? बोले जाओ सुमित्रा मैया से पूछ करके आओ, अगर सुमित्रा मैया ने कह दिया कि जाना है तो चलना, अगर उन्होंने मना कर दिया तो नहीं चलना। लक्ष्मण जी समझ गए कि भगवान चतुराई कर रहे हैं, माँ भला क्यों कहेगी जाओ, कौन माँ अपने बेटे को कहेगी जाओ जंगल में भटको। लेकिन जाकर के जैसे ही लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करते पूछा सुमित्रा जी ने कैसे आया है, तब लखनलाल जी ने कहा कि प्रभु राम और जानकी जी वन को जा रहे हैं और मैं उनके साथ जाना चाहता हूं सेवा के लिए, मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। अरे महाराज, सुमित्रा जी बोली तू मेरे ऊपर पाप चढ़ाने आया है। लक्ष्मण जी ने कहा मां पाप कैसा,
अरे तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो बेटा ही राम और जानकी का है। अरे तेरे भाग्य से राम जी जंगल में जा रहे हैं, तू पूछने को आया, ये मेरा दुर्भाग्य है, पूछने की जरूरत क्या, मैंने तुझे पैदा ही राम के लिए किया है मेरे भाई को, मैंने तुझे जन्म ही राम के लिए दिया है। तेरे भाग्य से राम जी वन को जा रहे, तुमरे भाग राम वन जाए, तेरे भाग्य से राम जी जा रहे, तुझे सेवा मिलेगी, इसलिए जा जल्दी जा। लखन लाल जी गदगद हो गए, मैं तो सोचा था मेरी माँ भी रोने लग जाएगी, नहीं जा बेटा, पीछे ये कौन देखेगा वो कौन देखेगा, नहीं मैंने तुझे जन्म ही राम के लिए दिया। लखन तात तुम्हारी हे बेटा, तुम्हारी माँ जानकी है, तात तुम्हार माँ तु बैदे, तुम्हारी माँ जानकी है। करुणा निदान देवर की दृष्टि अपने भाभी के प्रति माँ के जैसी होनी चाहिए मेरे भाई, देवर अपनी भाभी को माँ के समान पूज्य समझे। तो देखिए यही सूत्र दिया सुमित्रा जी ने लखनलाल जी को, बेटा तुम्हारी माँ है जानकी, तुम जाओ और माता पिता की तरह सेवा करो। तीनों तैयार हो गए।